ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कड़े राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जातकों के जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होगा और जीवन में कई सारे संक्रात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के मौके होंगे, जो कि आप सभी के लिए 30 अगस्त 2023 दिन आपका किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर होने की स्थिति का निर्माण हो सकता है, जो कि आप सभी के लोगों की जातकों के लिए आप लोगों के जीवन में बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त तो होने वाली है, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य के क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। हमसे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए बेहद खास होंगे और आप जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होने की स्थिति का निर्माण हो सकता है। आपके जीवन में कई सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं और आज आप अपनी संभावनाओं को बेहतर करने वाले हैं। आज सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहने होंगे, नेटवर्क भी आपका बढ़ेगा, कई संभावनाएं भी मिलेंगी। आज आप लोगों के पिछले कुछ समय से किसी भी नज़दीकी संबंधियों के साथ चले आ रहे विवादों में सुधार आएगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेंगी, छोटे मोटे भाई बहनों से आपको मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा। ध्यान रखें कि दिखावे के चक्कर में अनाप शनाप खर्च भी कर सकते हैं, कोई भी पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी हो सकती है, आपको मनोबल में कमी आ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करें, युवाओं को अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। इस समय मौजूदा बिजनेस में नया कार्य करने के लिए ठीक नहीं है, कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। कपड़ों से जुड़े बिजनेस में अच्छा मुनाफा अवश्य होगा, ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखने से व्यवस्था में सुधार आएगा, पारिवारिक मामले भी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह से संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक आपको सेवन करना होगा तथा योगा मेडिटेशन प्राणायाम को जीवन में अवश्य अनुशमित करने होंगे। पुरानी समस्याओं को सुलझाते समय सतर्क रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पारिवारिक लोगों के साथ बात करते समय विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपसे जुड़े हुए लोगों के विचारों पर ध्यान देते रहें, लेकिन अपने विचारों को नज़रअंदाज ना करें। किरण से संबंधित बड़े निर्णय आगे बढ़ाने के लिए आज लोगों के साथ मिल सकता है, पार्टनर्स के साथ थोड़ी नाराजगी रह सकती है, यह समस्या सुलझा जा सकती है, लो बीपी के कारण तकलीफ हो सकती है। और आज के दिन सामाजिक रूप से गतिविधियों में एक्टिव रहने हैं, नेटवर्क भी आपको बढ़ने वाला है, नई संभावनाएं भी आपको मिलने वाली हैं। आज कुछ समय से नज़दीकी संबंधियों के साथ चली आ रही परेशानियाँ दूर होंगे, आप लोगों की ग्रह गोचर आपके जीवन पर सपोर्ट करेगा। अगर हस्तांतरण की योजना है तो आज कार्य शुरू कर सकते हैं और आज आप लोगों के जीवन में सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहने होंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, कई संभावनाएं मिलेंगे। पिछले कुछ समय से किसी नज़दीकी संबंधियों के साथ चले आ रहे विवादों में सुधार आएगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेंगी, छोटी मोटी भाई बहनों से आप लोगों को मार्गदर्शन सहायता प्रदान कर सकता है और आप लोगों के जीवन में मार्गदर्शन भी सहायता प्रदान कर सकता है। और आज आप लोगों के जीवन में अनाप शनाप खर्च भी कर सकते हैं, कोई पुरानी नकारात्मक बात आज आपके वर्तमान पर हावी हो सकती है, आपको मनोबल में कमी आ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करें, युवाओं को अधिक मेहनत की जरूरत रहेंगे और आपका दिन शुभ और बेहतर कार्य हो जमा बिंदावास में।